ऐसे ही मोटो ब्लॉग करना चाहिए, हर एक जगह पैसा डिक्लाइन नहीं है ना, ये बहुत चीप हो जाएगा, बहुत सस्ता मोटो ब्लॉग हो जाएगा ये। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, माय नेम इज निखिल एंड यू ऑल आर वाचिंग एनजी 23। जो आज कौन सा डे वैसे, मैं भूल जाता हूं, डेली ब्लॉग फ्राइडे या कुछ करेंगे आज, इधर तो जाएंगे घूमेंगे। कल का वीडियो बहुत ही अच्छा था, मैंने एडिट करते समय मुझे समझा कि इतना अच्छा वीडियो बनाया करके, और अभी थोड़ा देर वेट करते हैं। रुद्र थे जो सतीश को मैंने कॉल किया है, देखते कौन मिलता है। आज वैसे भी थोड़ा फ्री हूँ, थोड़ा बोर हो रहा था घर से, इसके लिए मैं नीचे आ गया, तो वेट करते हैं। सो गाइस अभी सीन क्या हो गया, बाइक के इधर हो गया होल, इसमें से पूरा पानी अंदर जा रहा है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि पूरा सीट अंदर से गीला है, तो इसके अंदर से पानी है, तो या मुझे सीट कवर पूरा चेंज करना है, सीट बना के लेना है। अगर आपके पहचान में कोई रहेगा, नहीं तो आपको कुछ आइडिया रहेगा किधर होता है, तो नीचे कमेंट कीजिए, और सीट मॉडिफिकेशन के ऊपर भी एक ब्लॉग बनाएंगे, मिलते हैं अभी। तो गाइस थोड़ा देर रुक गए थे, लेकिन आप लोग सामने क्लाउड देख सकते हैं, बादल पहाड़ों के ऊपर, तो आज क्लाइमेट थोड़ा साफ है एकदम, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये नीचे ट्रेन जा रही है धीरे धीरे, तो ये अभी जा रहे हैं थोड़ा काम से पनवेल, फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी बाइक लेके आए इधर, और बारिश आने वाला है, तो हमारा काम एक्चुअल में हो चुका है, अभी वड़ा पाव खाते हैं और इधर से निकलते हैं। सो गाइस हमारे वड़ा पाव आ चुके हैं, तो अभी खाते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी हो गया वड़ा पाव खा के, और अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो या निकलते। तो गाइस अभी हम लोग आए थे कामोटे के आगे, जुई कामोटे में, जुई गांव में आए थे, तो यहाँ पे गाँव देवी मंदिर करके है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो आप लोग कभी आए इधर तो जरूर इधर आइए, बहुत ही अच्छी जगह है। आपको सिनेमेटिक एक दिखाता हूँ छोटा सा, इधर जो नेचुरल आवाज आ रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अभी बारिश गिर के हो चुका है, इसके लिए हम लोग इधर रुके थे। यहाँ पे हम लोग वैसे भी आते रहते हैं, लेकिन तभी कंस्ट्रक्शन चालू था, अभी पूरा हो गया, तो अंदर मैं शूटिंग नहीं किया, लेकिन मैं अंदर जाके आया, लेकिन हम लोग शूटिंग नहीं किया अंदर। हर एक जगह का खुद का एक हेरिटेज रहता है, नेचुरल हेरिटेज, और बहुत ही अच्छी जगह है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसा मंदिर है एकदम। सो गाइस इतना अच्छा मंदिर है ये, और इसका आर्किटेक्चरिंग डिजाइन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, और अंदर भी बहुत अच्छा इंटीरियर किया है एक्चुअल में, बहुत ही अच्छा लगता है इधर ऐसे अच्छे जगह पे आके, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। इधर से हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, आपको मैं इधर लास्ट पॉइंट दिखाता हूँ, इधर अभी दिखाया नहीं रहेगा इतना ब्लॉग में, लेकिन हम लोग केक कटिंग होगी इधर ही करते सब कुछ। तो गाइस हम लोग हमेशा ऐसे करते हैं, गाड़ी न्यूट्रल पे, और पहले डिक्लाइन बोलते थे मेरे इंक्लाइंड और डिक्लाइन में थोड़ा मिस्टेक होता है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, और हम लोग जा रहे हैं नीचे, बहुत ही ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं, ऐसे ही मोटो ब्लॉग करना चाहिए, लेकिन हर एक जगह पैसा डिक्लाइन नहीं है ना, ये बहुत चीप हो जाएगा, बहुत सस्ता मोटो ब्लॉग हो जाएगा ये। सो गाइस आप लोग देख सकते, लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गए, बहुत कुछ कुछ डेवलप किया है, तो ये फार्म हाउस जैसे हो गए बांधे हैं। सो गाइस ये सब कचरा इग्नोर कर दो, बोट देख सकते हैं एकदम, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं फोटोशूट के लिए, बहुत अच्छे। इधर जो कीचड़ है ये घुटने तक कीचड़ है पूरा, तो वो डॉग को चलने के लिए तकलीफ हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना कीचड़ है। ये अपना पानी रिटर्न जा रहा है, हाई टाइड और लो टाइड, तो वैसे लो टाइड की वजह से पानी रिटर्न जा रहा है, वापिस जा रहा है, जब हाई टाइड रहते तो ये पूरा फुल रहता है, यहाँ तक पानी रहता है, जहाँ तक ये कचरा दिख रहा है यहाँ तक। इसके वो साइड में एयरपोर्ट है, वो जगह है ये पुरानी बोट, इसके ऊपर हमने एक दिन केक कट किया था, तब से ये बोट इधर ही है, 3-4 साल हो गया ये जनरेटर विंटरेटर। तो गाइस अभी क्लाइमेट बहुत ही अच्छा, ठंडा ठंडा फील हो रहा है, क्योंकि बारिश अभी खत्म हो गई, और बीच में तूफान आया था तभी इसके ऊपर का ये छत उड़ गया था। तो गाइस वहाँ पे इंसान लोग छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, मतलब ये बहुत दूर है एक्चुअल में, वहाँ पे वो एयरपोर्ट का काम चले, उधर डंपर में मट्टी विट्टी डाल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग फॉग देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर, आज क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मुझे ब्लॉग्स बनाने का मन नहीं हो रहा था, फिर भी मैं बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ डालेंगे डेली। सो गाइस आपको एक बात बताना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कुछ लैंडस्केप है। तो गाइस आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ये 13th ब्लॉग है मेरा, तो मैंने कब से चालू किया था, स्पीकर्स के वीडियो से मैंने चालू किया था, उसके बाद हमारे 12 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, तो कल का वीडियो था वो 12th वीडियो था, और अभी आप लोग देख रहे हो ये 13th वीडियो है। तो मैंने खाली खुद के लिए एक चैलेंज रखा था 10 डेज का, लेकिन 10 डेज हो गए, और ऊपर से हम लोग ने 3 दिन एक्स्ट्रा बोनस वाला बना दिया, मेरा पूरा साइकिल चेंज हो गया है, लाइफ का बॉडी का पूरा साइकिल चेंज हो गया, मेरे को रात को उठ के भूख लगता है, मतलब सोचो मैं रात को एडिटिंग करता हूँ तभी मुझे भूख बहुत लगता है, पूरा एकदम नींद हो गया, सब चेंज हो गया पूरा साइकिल, सुबह में 12 बजे 10 बजे उठता हूँ, शेयर करके वापस सो जाता हूँ, बाद में
फिर 12 बजे उठता हूँ। तो यह वही है और बहुत सारा काम पेंडिंग है। आप लोग अगर एंजॉय कर रहे हो तो खाली लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अभी कामोटे में ही हूँ, जुई में। बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है आज का। और ऊपर से राइड्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया। क्यों प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए सब लोग फ्री चाहिए, तो वो दिन कभी आएगा वो नहीं मालूम, लेकिन प्लान बहुत अच्छा बना है। तो बहुत सारे लोग बिजी है, वो गए रुद्र के भी प्रैक्टिकल्स चालू है, क्षितिज भी फिर बिजी रहता है दिन भर, और शाम को ही मिलता है क्षितिज का लिए। और वैभव का भी होटल में पूरा बिजी हो गया वो। जैसे हम लोग फ्री होते हैं हम लोग एक कैंपिंग का प्लान बनाने वाले हैं, मतलब प्लान रेडी है, जगह भी हम लोगों ने कल ही फिक्स कर दिया है, खाली निकलने का है। और वो निकलने के लिए हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, तो कैसे 2 दिन चाहिए कैंपिंग, कम से कम 2 दिन तो भी रहना चाहिए, मतलब आज जाएंगे तो कल रिटर्न आएंगे। और लास्ट टाइम हम लोग गए थे उसमें बहुत अंधेरा हो गया था रात को टेंट डालते डालते, तो इसके लिए पूरा साइकिल ऊपर नीचे हो गया था कैंपिंग का भी। तो ऐसे कुछ है, तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ब्रेक लेने का यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब पे अभी फिलहाल मैंने हाल ही में ब्रेक लिया था, 15 दिन हो गए थे, 15 दिन का ब्रेक लिया था, मेरे एग्जाम्स चालू थे। अभी ब्रेक ले रहा हूँ तो ऐसे हर 3 दिन में एक वीडियो आएगा, 2 से 3 दिन में एक वीडियो आएगा। डेली ब्लॉगिंग अभी मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि हर रोज एक कंटेंट लाना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और थोड़ा मुश्किल भी है, रोज एक कंटेंट लेके आओ। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है तो मैं रोज ला सकता हूँ, वैल्यूबल कंटेंट चाहिए अपने को, वैल्यूबल एकदम। तो इसके लिए इधर तक अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस ऑल्सो, साइनिंग आउट NG23। तो अभी बाहर आया हूँ, थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। सारे दे डाली सबूत, बोली झूठ ये बेकार, फिर भगाया देखे झूठ। हाँ वो ना माने मेरी क्यों, मांगू माफी किसी क्यों। सारे दे डाली सबूत, बोली झूठ ये बेकार, फिर भगाया।